वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्लो ऑफ फ्लूड्स। तो फ्लूड्स का जो फ्लो होता है वो किस किस तरह का होता है, इसमें हम फ्लूड्स के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। साथ में जब फ्लूड का फ्लो होता है तो उसमें किस किस तरह की एनर्जी होती है, जब भी कोई भी द्रव का प्रभाव हो रहा है तो उसमें किस तरह की एनर्जी मौजूद होती है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपको जो चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ फ्लूड्स, इसे हिंदी में हम कहेंगे तरलों का प्रभाव। तो जो आपका चैप्टर जिसका नाम है तरलों का प्रभाव, आपको पता है जो द्रव होता है फ्लूड होता है, फ्लूड की हम स्टडी दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हाइड्रोडाइनमिक कंडीशन में कर सकते हैं और एक हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में कर सकते हैं। हाइड्रोडाइनमिक का मतलब क्या होता है, द्रव गतिकी, मतलब जब क्या होता है द्रव आपका गति की अवस्था में होता है, मतलब किसी भी पाइप में द्रव का प्रभाव हो रहा हो, द्रव गति कर रहा हो, तो उसके द्रव के बारे में स्टडी करना, उसकी वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना, उसके घनत्व के बारे में स्टडी करना, उसकी विस्कोसिटी के बारे में स्टडी करना, सब किस में आता है हाइड्रोडाइनमिक्स। लेकिन जब कोई भी द्रव भ्रम अवस्था में होता है, जैसे हमने बात करें किसी गिलास में द्रव को भर के रख दें, पानी को भर के रख दें, तो उसमें उसके भार के कारण उत्पन्न होने वाले कह सकते हैं वो भार कितना है, उसमें विस्कोसिटी कितनी है, उसमें हम बात करें उसमें डेंसिटी कितनी है, तो इन सब की जब स्टडी करनी है, जब द्रव क्या हो स्टैटिक कंडीशन हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक। तो जब कोई भी द्रव स्टैटिक कंडीशन में होता है, भ्रम अवस्था में होता है, तब उस पर लगने वाले बल तथा उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले दाब की जो हमें स्टडी करना हो, उसकी अध्ययन करना हो, तो वो सब किस में करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। हम बात करें फ्लो ऑफ फ्लूड्स, जब द्रव का प्रभाव होता है तो द्रव का प्रभाव हम किस स्टेट में करेंगे, द्रव का प्रभाव होता है मतलब द्रव क्या है गति में, तो द्रव गति में होता है तो इसकी स्टडी हम किस में करेंगे हाइड्रोडाइनमिक। तो हमारा जो चैप्टर है फ्लो ऑफ फ्लूड्स, तो इसमें हम द्रव जब क्या होगा आपकी गति में अवस्था होगा, किसी पाइप से या किसी चैनल से जब फ्लो कर रहा होगा, तो उसके बारे में हम जब अध्ययन करेंगे तो वो सब किस में अंदर आएगा हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव का जब प्रभाव होता है तो द्रव आपका जो फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर रहा है अपना स्थान। जैसे अगर मान लो कोई पाइप ले लें और इस पाइप में क्या करें द्रव का प्रवाह कराए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पाइप है, इस पाइप में इधर से द्रव आया और द्रव आने के बाद क्या हुआ, द्रव के प्रभाव जो हो रहा है उसका, द्रव का प्रभाव हो रहा है, द्रव इधर से आ रहा है और इधर के लिए जा रहा है, तो द्रव जब इधर से आ रहा है इधर की तरफ जा रहा है, तो द्रव का प्रभाव अपने देखो कई तरह से होता है। कई बार क्या होता है द्रव बहुत हल्के हल्के फ्लो कर रहा है, कई बार द्रव क्या होता है बहुत उबड़ खाबड़ गति करके आगे बढ़ रहा है, मतलब द्रव का जो आगे बढ़ने की जो कंडीशन होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। तो उसी को अगर हम बात करें हम उसमें इसमें पढ़ेंगे किस नाम से, प्रभाव रेखाएं के नाम से। मतलब जब द्रव जो होता है, द्रव का जो प्रभाव होता है फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, उसे हम एक रेखा द्वारा दर्शाएंगे। द्रव के फ्लो को हम एक रेखा द्वारा दर्शाते हैं तो इसे कहते हैं प्रवाह रेखा। तो लाइंस ऑफ फ्लो मतलब द्रव का जो प्रभाव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मान लो द्रव में कई सारे मॉलिक्यूल हैं, इसके किसी एक मॉलिक्यूल को लेके हम उसके द्वारा जो पाथ बनना उसे देखें और वो पाथ किस किस तरह से बन सकता है, तो उन सब के बारे में हम जो स्टडी करेंगे वो सब किस में जाओ प्रवाह रेखाएं। तो आपको याद रखना है लाइंस ऑफ फ्लो, द्रव का जो फ्लो होता है उससे हम किस किस लाइंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं। तो द्रव का जो प्रवाह होता है उसे किस किस लाइन से नाम से पकड़ा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रवाह रेखाएं में, द्रव का जो प्रवाह होता है कैसा हो सकता है, पाथ लाइन में हो सकता है, ठीक है, पाथ लाइन या पथरेखा। पथरेखा मतलब क्या, मान लो कोई स्थान से हम क्या करें, हमने किसी स्थान से चलना स्टार्ट करा और चलने के बाद चलते गए लास्ट में यहाँ पर आ गए, तो आपने यहाँ आने तक यहाँ से लेकर जहाँ से आप चले थे जो पाथ आपने ट्रेवल करा वो पाथ आपका क्या होता है, एक पाथ लाइन कहलाता है या पथरेखा कहलाता है। लेकिन इसी को हम फ्लूड के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो फ्लूड में क्या होगा, फ्लूड में हमें पता है किसी भी पाइप का, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जब किसी भी पाइप में द्रव का प्रवाह हो रहा है, ठीक, तो उसके किसी एक पार्टिकल को हम क्या कर लें, मार्क कर लें,
एक पार्टिकल को हम देखें सिर्फ, तो एक पार्टिकल को जब मार्क करते हैं तो उसके द्वारा जो पाथ ट्रेवल करा जा रहा है तो वो पाथ क्या कहलाता है, आपका पाथ लाइन कहलाता है, पथ रेखा। ठीक है, मतलब किसी भी पाइप में जो द्रव का प्रवाह हो रहा है उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले लें और उस मॉलिक्यूल द्वारा जो पाथ ट्रेवल करा जा रहा है, तो जो पाथ ट्रेवल करा जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, पथ रेखा कहेंगे या पाथ लाइन कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला हमारा कौन सा है, अगला है यहाँ पर धारा रेखा। धारा रेखा क्या होती है, इससे हम कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन क्या है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे द्रव का प्रवाह इस तरह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम स्ट्रीम लाइन क्या होती है, जब मान लो किसी द्रव का प्रवाह हो रहा हो, ठीक, और उस प्रवाह के हर बिंदु पर या किसी बिंदु पर हम उसका एक स्पर्शी खींचें, तो वो स्पर्शी उसका क्या बताता है, वेग के बारे में बताता है। मतलब किसी भी पाथ को जो ट्रेवल कर रहा है फ्लूड, उस पाथ के स्पर्शी खींचे किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर उसके वेग क्या था उसके बारे में पता चलता है। तो ये पूरा जो हमारा लाइन बनती है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई, प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस क्षण में उस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा बतलाती है। ठीक है, द्रव कण की गति को बतलाती है। तो जो लाइन ये बनती है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। मतलब स्ट्रीम लाइन का ड्रॉ करके हम किसी भी पार्टिकल की, द्रव के किसी भी एक पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पर वेग के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, और पाथ लाइन द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कोई भी द्रव जो होता है किस तरह से पाथ ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे हमारा जो है, इसमें दो पार्ट दो हो गए इसके। थर्ड हमारा कौन सा है, इसमें देखते हैं। इसमें थर्ड हमारा तंतु रेखी नली, ये ऐसे कहते हैं स्ट्रिक लाइन। ठीक, स्ट्रिक लाइन के नाम से इसे जाना जाता है, तंतु रेखी नली। ठीक है, देखते हैं इसमें। अगर हम बात करें यहाँ पर तंतु रेखी नली क्या होता है, आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, जैसे अगर मान लो किसी भी पाइप में द्रव का प्रवाह हो रहा है, ठीक, मान लो यहाँ से पाइप में द्रव का प्रवाह होना स्टार्ट हुआ, और द्रव का जब यहाँ पर प्रवाह हो रहा है तो किसी एक बिंदु पर आपने क्या करा, एक पार्टिकल को कलर कर दियो से, मतलब एक पार्टिकल में आपको किसी एक बिंदु पर किसी एक पार्टिकल पर आपने कलर डाल दिया। तो कलर डालने की बात क्यों होगा, वो पार्टिकल जब आपका गति करते हुए जाएगा तो उसी कलर के द्वारा एक रेखा बनती चली जाएगी, और उस रेखा को हम क्या कहेंगे, तंतु रेखा, या उसे कह सकते हैं फिलामेंट लाइन। समझ में आया आपको, मतलब किसी भी द्रव का किसी भी पाइप में प्रवाह हो रहा है, ठीक, उसमें आपने किसी एक बिंदु पर एक कलर का बिंदु कह सकते हैं, कलर की एक बहुत छोटी सी ड्रॉप डाल दी किसी एक पार्टिकल पे, ये हम कह सकते हैं उस पार्ट एक पार्टिकल हमने कलर कर दिया। उस पार्टिकल द्वारा जो लाइन बनेगी उसके मूवमेंट के आधार पर, तो वो जो आपकी कलरफुल लाइन बनी है उस कलरफुल लाइन को क्या कहेंगे, जो पाथ के बता रहा है कि पाथ किस तरह से ट्रेवल हुआ है, तो वो कलरफुल लाइन जो पाथ को दर्शा रही है वो क्या कहलाती है, आपकी फिलामेंट लाइन कहलाती है, फिलामेंट लाइन, तंतु रेखा। ठीक है, इसके डेफिनेशन दिए, द्रव प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति बतलाने वाली रेखा तंतु रेखा होती है। ठीक, द्रव प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति बतलाने वाली रेखा तंतु रेखा कहलाती है। मतलब किसी भी एक पार्टिकल पर आपने कलर कर दिया और उसके द्वारा जो आपको पाथ ट्रेवल करने पर पता चल रहा है वो पाथ आपका क्या कहलाता है, फिलामेंट लाइन कहलाता है। अगला हमारा क्या है, धारा रेखीय नली है। अगला हमारा जो टॉपिक है, इसी में जो लाइन फ्लो ऑफ लाइन्स है, लाइन्स में किस तरह का फ्लो होता है, तो तीन हो गए। चौथा हमारा है धारा रेखीय नली। धारा रेखीय नली की अगर हम बात करें, आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डायग्राम दिख रहा है, इसे हम हिंदी में कहते हैं धारा रेखीय नली, इंग्लिश में इसका स्ट्रीम लाइन ट्यूब, नाम से क्लियर है। वैसे ये जो लाइन बन रही है द्रव की जो लाइन है उनमें कई सारी लाइन मिलकर एक ट्यूब बन जाए तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो स्ट्रीम लाइन ट्यूब कहलाएंगे। मतलब मान लो एक द्रव की ये लाइन बन गई और दूसरे पार्टिकल द्वारा ये लाइन बन गई,
तीसरे पार्टिकल द्वारा ये लाइन बन गई, चौथे पार्टिकल द्वारा ये लाइन बन गई। तो इसी तरह से कई सारी लाइन को मिलाकर एक ट्यूब का आकार बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव प्रवाह में, मान लो कि इसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो किसी द्रव प्रवाह में कई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकार काल्पनिक आयतन को धारा रेखीय नली कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं असल में। मान लो हमने क्या करा, इसमें छोटे छोटे कई सारे चार पांच पार्टिकल हमने मार कर दिए, उन पार्टिकल की गति देखी हमने इस तरह से हो रही है, दूसरे की इस तरह से हो रही है, तीसरे की इस तरह से हो रही है, चौथी गति इस तरह से हो रही है। तो इस तरह से हमने कई सारी गतियों जो रेखा बन रही है उन रेखाओं के एक समूह ले लें तो वो एक ट्यूब का आकार ले लिया उसने, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, धारा रेखाएं कह सकते हैं या धारा रेखीय नली कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कई सारी रेखाओं के कॉम्बिनेशन पे जो आपको ट्यूब बन रही है वो या नली बन रही है उसे हम कहते हैं धारा रेखीय नली। समझ आया आपको? तो ये हमारे चार लाइन्स ऑफ फ्लो थे, मतलब फ्लो जो होता है वो द्रव का प्रवाह किस किस तरह से लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो। जो हमारा द्रव का प्रवाह होता है वो किस किस तरह से होता है इसमें हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो, तो जो फ्लूड का फ्लो होता है वो किस किस तरह से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें हेडिंग हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो, तो द्रव का जो प्रवाह होता है इससे हमने कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब आपका जो द्रव होता है, द्रव कई बार क्या होता है, बहुत हल्के हल्के मोशन करता है, कभी बहुत तेज मोशन करता है, तो अलग अलग तरह के जो मोशन होते हैं उसी को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपका, तो टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो, फ्लो कैसे कैसे हो सकता है द्रव का वो देखते हैं। हम कई तरह से इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे समय के साथ किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव कणों की गति के आधार पर। मतलब जो द्रव कणों की गति है उसके हम समय के साथ कंपैरिजन करके हम बताएंगे। मतलब समय के साथ सबसे पहले हम इसका टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो जो टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो है उससे पहली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे समय के साथ किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव कणों की गति के आधार पर। मतलब द्रव कणों की कई बार गति क्या होती है, अधिक होती है, कई बार गति क्या होती है, कम होती है सेम टाइम पर। तो समय के आधार पर उसकी गति के आधार, गति को हम क्या बताएंगे, गति को कंपैरिजन करते हुए हम फ्लो बताएंगे कौन कौन से होते हैं। तो मेन आपको ये हेडिंग याद रखनी है। ठीक है, ये वाला हेडिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, इन कैटेगरी में डिवाइड करा गया बस इन्हें, तो आपसे ये कभी पूछा भी नहीं आता है आपको, या फिर ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आएगा तो इस तरह की क्वेश्चन दे देगा और वो पूछेगा ये बताइए कौन सा फ्लो की क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा अब स्टडी फ्लो की क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये डेफिनेशंस याद रखनी है सही से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पहला हमारा कौन सा फ्लो है, अपरिवर्तित प्रवाह, अपरिवर्तित प्रवाह या फिर इसे कहते हैं स्टडी फ्लो। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्टडी फ्लो, हिंदी में कहते हैं अपरिवर्तित प्रवाह। तो अगर हम बात करें कोई भी द्रव क्या हो रहा है, अपरिवर्तित हो रहा है, मतलब उसमें समय के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। मतलब अपरिवर्तित का मतलब क्या है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, और परिवर्तन नहीं हो रहा तो समय के साथ कोई चेंज भी नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो समय के साथ जो उसका वेग में परिवर्तन क्या आएगा, जीरो। डेंसिटी में परिवर्तन क्या आएगा, जीरो। घनत्व में और दाब में परिवर्तन क्या आएगा, जीरो। तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो कहते हैं। ठीक, नाम से क्लियर है वैसे, अपरिवर्तित प्रवाह मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब कोई भी चैनल में से या पाइप में से अगर मान लो द्रव का प्रवाह हो रहा हो और प्रवाह होने पर भी उसके किसी भी वेग में मान लो या घनत्व में या दाब में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो उसका, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा फ्लो है वो, अपरिवर्तित प्रवाह है। और अपरिवर्तित प्रवाह का मतलब क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है हमारा, जीरो। ठीक, तो अपरिवर्तित प्रवाह या स्टडी फ्लो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी द्रव का अगर मान लो प्रवाह हो रहा है तो प्रवाह में किसी परिच्छेद पर द्रव के वेग, घनत्व तथा दाब आदि क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। मतलब जो हमारा प्रवाह हो रहा है उसमें वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और दाब में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो
तो आपका कौन सा प्रवाह कहलाएगा? वो स्टडी फ्लो कहलाएगा, अपरिवर्तित प्रवाह। अपरिवर्तित मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वेग में परिवर्तन की दर जो होगी वो जीरो होगी, घनत्व में परिवर्तन की दर होगी जीरो, और दाब में परिवर्तन की दर क्या होगी? जीरो होगी समय के साथ। ठीक, समझ गया हो आपको, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। अब अगला कौन सा हमारा? परिवर्तित प्रवाह। तो परिवर्तन हो रहा है इसमें, इसमें क्यों होगा? वेग, घनत्व और दाब में क्यों होगा? समय के साथ परिवर्तन हो रहा होगा, तो परिवर्तन हो रहा होगा तो जीरो तो होगा नहीं है, तो हमारा परिवर्तन हो रहा है मतलब अनस्टडी फ्लो कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो अनस्टडी फ्लो हुआ तो इसमें क्या होगा? ये आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तित हो रहा है, तो आपका ये जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, बस। ठीक, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम आगे। अगला हमारा जो अगला टाइप है इसमें, मतलब द्रव के प्रभाव में अगर बात करें, आगे कौन सा है? अब हम पहले हमने कौन सा कैटेगरी में देखा था? द्रव के वेग के आधार पर हमने प्रभाव की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं द्रव की पतली पट्टियों में बहने के आधार पर। ठीक, मतलब द्रव का जो प्रभाव हो रहा है उसकी पतली पट्टियों के बहने के आधार पर जो द्रव का प्रभाव होता है, हमें पता है द्रव का जो प्रभाव होता है वो छोटी छोटी लेयर से मिलकर बने होते हैं द्रव, तो उसका जो प्रभाव हो रहा है तो उसकी पतली पट्टियों में बहने के आधार पर, जो पट्टियां हैं वो कई बार उबड़ खाबड़ होती हैं, कई बार स्मूथली फ्लो करती हैं, तो उसके आधार पर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाता है, मेन आपसे पूछा जाता है लेमिनार फ्लो क्या होता है, तो आपको इसके अंदर पढ़ते हैं, इससे आप चाहे याद करना चाहिए याद करिए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। मेन आपका ये है लेमिनार फ्लो क्या होता है, ये स्तरीय फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग क्या है? स्तरीय प्रवाह, या फिर हम कह सकते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो या फिर स्तरीय प्रवाह क्या होता है? अगर मान लो किसी भी पाइप में द्रव का प्रवाह क्या हो रहा हो, बहुत हल्के हल्के हो रहा हो, तो बहुत हल्के हल्के होता है तो आपने देखा होगा द्रव का प्रवाह क्या होता है, बहुत स्मूथली होता है, हर एक जो पार्टिकल होगा बहुत आसानी से हल्के हल्के आगे बढ़ते जाएगा। जैसे आपने देखा कोई भी नाली में अगर मान लो वाटर क्या हो रहा है, बहुत स्लो स्लो चल रहा है, बहुत हल्के हल्की स्पीड चल रहा है, तो उसमें जो प्रभाव होता है, नाली है जहाँ पानी बह रहा है तो उसमें चैनल में या जो नालियाँ होती हैं उनमें पानी जो बह रहा है, अगर वो फ्लो कैसा बहुत हल्के हल्के हो रहा है, बहुत स्लो स्लो हो रहा है, तो वो प्रवाह क्या कहलाता है? आपका लेमिनार फ्लो कहलाता है। लेकिन वह फ्लो कैसा हो जाए, अगर मान लो आपने एकदम बाल्टी लौट दी पानी की, तो आपका वाटर कैसे भागेगा? एकदम स्पीड से भागेगा, तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। ऊबड़ खाबड़ गति होती है फ्लो की, तो उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो का मतलब क्या होता है? जब आपका द्रव में जो प्रवाह हो रहा है वो उसके कण जो है पार्टिकल क्या है वो सीधे और समांतर पथ पर चल रहे हो, और छोटी छोटी परतों में समांतर चल रहे हो, तो जो प्रवाह होगा वो आपका क्या कहलाएगा? लेमिनार और स्तरीय प्रवाह। ठीक, ये कब होता है? जब आपका वाटर की गति क्या हो, बहुत कम हो, और जब वाटर की गति होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं जिग जैग मोशन, ऊबड़ खाबड़ वाटर का फ्लो होता है, एकदम बस आगे बढ़ना है कैसे भी, तो उसे हम कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। हिंदी में कहते हैं विक्षुब्ध, इंग्लिश में टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह का मतलब क्या है? जिग जैग मोशन। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा विक्षुब्ध प्रवाह क्या था। अगला हम देखते हैं, अब हम तीसरे कैटेगरी में डिपार्ट कर दे रहे हैं। दो कैटेगरी हमने पढ़ ली, पहला पढ़ ली गति के आधार पर फ्लो, दूसरा पढ़ ली उसकी पतली पट्टियों के आधार पर फ्लो, लेयर के आधार पर फ्लो पढ़ ली हमने। थर्ड है हमारा द्रव प्रवाह में अनुप्रस्थ काटों पर द्रव कणों के वेग के आधार पर, मतलब कह सकता हूँ अनुप्रस्थ काट के आधार पर। अब थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है अनुप्रस्थ काट के आधार पर, तो अनुप्रस्थ काट के आधार पर देखते हैं। इसमें सबसे पहला कौन सा हमारा? समान प्रवाह। ठीक, आपसे अगर पूछा था यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है या समान प्रवाह क्या होता है, तो नाम से वैसे क्लियर है यूनिफॉर्म मतलब समान रहेगा। अगर मान लो आपने एक पाइप ले लिया और पाइप का क्रॉस सेक्शन पूरा क्या है, हर जगह समान क्रॉस सेक्शन है, हर जगह क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया बराबर है, और एरिया बराबर है तो द्रव का जो प्रभाव होगा समान गति से होगा। अगर मान लो एकदम क्या कर दें, एरिया बढ़ा दें या एकदम एरिया घटा दें, तो एकदम द्रव का जो प्रभाव हो कहीं बढ़ जाएगा वेग, कभी वेग घट जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें पूरा क्या है, एक समान है, इसका शेप क्या है बिल्कुल समान है, तो इसमें क्या होगा? आपका जो वेग रहेगा वो क्या रहेगा? फ्लो आपका फ्लूड का वो समान रहेगा। ठीक है, तो हम बात करें समान प्रवाह या यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। इस प्रवाह में किसी एक समय में किसी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर द्रव का वेग क्या रहता है? समान, क्योंकि आप देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, समान है सबका, बराबर है एरिया, तो फ्लो जो होगा वो कैसा होगा? स्मूथली होगा, समान होगा। ठीक,
ठीक है, एरिया का मान लो घटता है, ज्यादा होता है तो वेग में वृद्धि या कमी हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समान है ये, तो वेग भी आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, अगला आगे देखते हैं, ये कौन सा प्रवाह है, असमान प्रवाह। समान प्रभाव हो गया, असमान प्रभाव में क्या होता है, जैसे अगर मान लो इस पाइप की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया क्या हो गया है, कम है, यहाँ पे एरिया क्या है एंट्री पॉइंट पे ज्यादा है, और यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे समान है, तो यहाँ पे एरिया अपना घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी आपकी समान रहेगी, नहीं रहेगी, बिल्कुल सही समान नहीं रहेगी, तो ये प्रभाव आपका क्या हो जाएगा, असमान प्रवाह, मतलब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जब अनुप्रस्थ काट असमान होती है, मतलब जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या होता है, असमान होता है, समान नहीं होता है, तब प्रभाव भी क्या होगा, असमान होगा, उसका वेग क्या होगा, हर पॉइंट पे देखो एंट्री पॉइंट पर वेग बी था, लेकिन यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो वेग बढ़ गया, यहाँ पे B1 हो गया, फिर यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, यहाँ से कम होकर फिर दोबारा बढ़ गया, तो यहाँ वेग क्या हो जाएगा, दोबारा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके वेग में लगातार परिवर्तन होता रह रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सा फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो आपका एक समान नहीं है हर जगह, ठीक है। अब इसका हम चौथा टाइप पढ़ते हैं, चौथा टाइप किसके आधार पर, प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव कण कोणीय गति के आधार पर, मतलब कोणीय गति के आधार पर, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखने, मेन इसके अंदर को जो हेडिंग है वो याद रखने है, वो आप कोई जरूरत नहीं है उसकी, आपसे यही पूछा जाता है रोटेशनल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अगला हेडिंग कौन सा आपका, रोटेशनल फ्लो, नाम से क्लियर है, रोटेशनल मतलब रोटेट कर रहा है, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं घूर्णी प्रवाह, घूर्णी प्रवाह, ठीक है, घूर्णी प्रवाह कह सकते हैं, या फिर इसे रोटेशनल फ्लो कह सकते हैं। रोटेशनल की बात क्या हुई, अगर मान लो किसी बॉल बॉल या गेंद को हम क्या करें, पकड़ के फेंकें, तो फेंके हैं तो वो कैसे चलती हुई जाएगी, रोटेट करती हुई जाएगी, तो वो प्रभाव आपका कैसा होगा, वो भी रोटे वो रोटेशनल प्रभाव ही होगा, मतलब नाम से ही इसका क्लियर है डेफिनेशन। वैसे तो अगर हम बात करें, कोई एक पाइप ले लिया हमने, ठीक, इस पाइप में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने वाटर को छोड़ा, यहाँ से वाटर को इधर से छोड़ा, और वाटर के किसी एक पार्टिकल को हमने मार्क कर लिया, ठीक है, और किसी एक कण को मार्क करने पर हमने देखा वो पार्टिकल क्या हो रहा है, पहले देखो इस तरह से था, फिर बाद में आगे थोड़ा बढ़ा तो थोड़ा ये आगे आगे तरफ बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ा तो थोड़ा इस तरह से आगे, मतलब ये रोटेट कर रहा है, तो ये आपका फ्लो कैसा है, रोटेशनल फ्लो है, मतलब द्रव प्रवाह में द्रव के कण किसी दिशा में बदलते समय अपने अक्ष के चारों तरफ घूमते रहते हैं, मतलब वो आगे बढ़ते हुए घूमते रहे, तो वो प्रवाह आपका कैसे कहलाता है, रोटेशनल फ्लो कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग कौन सा है, इरोटेशनल फ्लो, आघूर्णी प्रवाह। इरोटेशनल फ्लो की अगर हम बात करें, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, मान लो एक पाइप ले लिया, नाम से क्लियर है, वैसे आघूर्णी मतलब इसमें घूर्णन क्या होगा, नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, इरोटेशनल मतलब अगर मान लो आपने किसी पाइप में द्रव का प्रवाह कराया, और द्रव का पार्टिकल जो होगा आपका, कोई भी इसमें मोशन मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, आगे बढ़ तो रहा है लेकिन घूमते हुए नहीं बढ़ रहा है, तो जैसे आपका इधर की तरफ था, अब भी फेस ऊपर की तरफ है, अब भी फेस ऊपर तरफ है, तो इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, ये घूम नहीं रहा है, पार्टिकल जो आपका कण है वो घूम नहीं रहा है, तो आपका प्रवाह कैसे होगा, आघूर्णी प्रवाह होगा, इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो यहां तक हमारे चार टाइप्स हो गए, अब हम और आगे पढ़ लेते हैं, इसमें जो हमारा लास्ट टाइप है उसे और देख लेते हैं। ठीक, अगला टाइप कौन सा हमारा, अगला हमारा लास्ट टाइप है इसमें, जिसका नाम है प्रवाह में द्रव के आयतन तथा घनत्व के आधार पर। अगला हम जो डिफाइंड कर रहे हैं किसके आधार पर, आयतन तथा घनत्व के आधार पर, ठीक है, मतलब अगला हमारा जो टाइप है फ्लूड का, फ्लो का ही टाइप है ये, तो अगला हमारा जो फ्लूड के फ्लो का टाइप है वो किसके आधार पर है, आयतन तथा घनत्व के आधार पर। तो इसमें अगर हम बात करें, ये दो तरह के होता है फ्लो, मतलब आयतन तथा घनत्व के आधार पर, एक होता है संपीडक प्रभाव, एक होता है असंपीडक प्रभाव, हम इसे डिफाइन करते हैं। आपको पता है अगर मान लो कोई भी इंसान मान लो सड़क पे चल रहा है, ठीक है, सड़क पे चल रहा है, ठीक है, सड़क पे चल रहा है, तो आपको पता है ऊपर क्या होते हैं, ईयर है, तो ईयर के द्वारा कुछ ना कुछ इंसान पे दाब लगता है, दाब लगता है, नहीं लगता है, तो हर एक वस्तु पर एयर के द्वारा कुछ ना कुछ दाब लग रहा है, तो दाब लग रहा है तो वो क्यों गए, वो संपीड में होगा, हल्का हल्का थोड़ा बहुत दबाव में होगा ही होगा, तो दबाव में होगा, ठीक होगा नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, संपीडक प्रभाव कह सकते हैं, कंप्रेसिव फ्लो। या फिर अगर बात करें द्रव के फॉर्म में, तो मान लो हमने कोई ओपन चैनल ले लिया, ठीक है, ओपन चैनल ले लिया मान लो, उसमें वाटर का फ्लो हो रहा है इस तरह से, पाइप के अंदर क्या हो रहा है,
मान लो ये पाइप है और पाइप ऊपर से मान लो खुला हुआ है, एक तरफ से ऊपर से खुला हुआ है, इस तरह से वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और ऊपर से खुले होने के बाद क्या होगा, तो जो एयर होगी वो एयर क्या लगाएगी, इस पर दाब लगाएगी, नहीं लगाएगी, तो दाब जब लगाएगी तो इसके जो हमारा वाटर का, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इस पर अगर बात करें प्रेशर लग रहा है तो हम कह सकते हैं ये फ्लूड किस में है, प्रवाह जो इसका हो रहा है, फ्लूड का प्रवाह कैसे हो रहा है, कंप्रेसिबल हो रहा है, संपीडक में हो रहा है, मतलब वो कैसा है, फ्लूड का फ्लो दबाव में है, दबाव में मतलब कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसिबल कंडीशन में, क्योंकि जब मान लो किसी वस्तु ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर क्या होती है, कंप्रेस होती है, तो उस टाइप के प्रभाव को हम कह सकते हैं कैसे हो, कंप्रेसिबल। तो जब आपका वाटर का प्रवाह हो रहा हो, जल का प्रवाह हो रहा हो और उसके ऊपर से हम क्या करें, दाब लगाएं, तो दाब लगाने के कारण हम कह सकते हैं वो क्या है, किस स्टेट में होगा, दाब के कारण वो कंप्रेसिव कंडीशन में होगा, तो कंप्रेस के कंडीशन में होगा तो आपका प्रभाव भी क्या कहलाएगा, संपीडक प्रभाव कहलाएगा, कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें इसी में ही, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, मास तो चेंज हो नहीं सकता, मास तो चेंज हो ही नहीं सकता है, लेकिन किसी भी वस्तु को हमें पता है जब हम दबाते हैं तो वो क्या होती है, उसके आयतन में कमी हो जाती है, और आयतन में कमी होगी, अगर मान लो किसी वस्तु को हम दबाएंगे तो वो दब जाती है, दबने के बाद आयतन में क्या होती है, कमी, आयतन में कमी होगी तो घनत्व में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, नहीं होगा, आयतन में कमी होगी तो घनत्व में वृद्धि होगी, मतलब एक चीज में कमी होगी एक चीज में वृद्धि होगी दबाव आने पर, तो हम कह सकते हैं आयतन और घनत्व में क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। अगर मान लो किसी भी फ्लूड के जब फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो उसके प्रवाह होते हुए किसी पॉइंट पर उसके आयतन बढ़ रहा है या फिर किसी पॉइंट पर उसका घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इनमें कोई चेंजेस आ रहा है तो फ्लूड कैसा है आपका, कंप्रेसिबल फ्लूड है, मतलब कोई भी उसके आयतन और घनत्व में चेंज अगर आ रहा है, बार बार चेंज आता रह रहा है, तो वो आपका जो प्रभाव हो रहा है वो कौन सा प्रभाव है, कंप्रेसिबल फ्लूड है। तो इसमें ही लिखा गया, यदि द्रव में आयतन और घनत्व में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कंप्रेसिबल फ्लूड क्या होते हैं। अगला कौन सा हमारा, अगला हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लूड। तो अगर हम बात करें इनकंप्रेसिबल फ्लूड की, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूड क्या होता है, इसका उल्टा होगा, और रियलिटी में अगर हम बात करें इनकंप्रेसिबल फ्लूड वास्तव में पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा कोई भी फ्लूड है, अगर पाइप के अंदर क्या हो रहा है, बह रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें एयर होनी होनी है पॉसिबल, और एयर होगी तो उस पर कुछ ना कुछ दाब लगाएगी, और दाब लगाएगी तो फ्लूड क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। तो वास्तव में जितने भी कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी द्रव हैं, वो हर द्रव क्या है, कंप्रेसिबल कंडीशन में होगा ही होगा, कंप्रेस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका ही हमारा अगला टाइप कौन सा है, असंपीड, मतलब इनकंप्रेसिबल। तो इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या, पहली बात तो इनकंप्रेसिबल कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी हम एक कंडीशन मान लेते हैं, अगर मान लो किसी भी द्रव का प्रभाव हो रहा है लेकिन उसके आयतन और घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब उसका डेंसिटी और वॉल्यूम हमेशा क्या रहा है, कॉन्स्टेंट रहा, और फ्लो भी होता रहे, प्रवाह भी होता रहे और फ्लो भी, मतलब फ्लो में क्या रहा है, डेंसिटी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रभाव आपका कैसा है, असंपीड प्रभाव है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, समझ आया। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब सिर्फ इतना है जिसमें आपके फ्लूड के फ्लो के कारण डेंसिटी और आयतन में कोई भी चेंजेस नहीं आता, मतलब वो हमेशा क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तो आपका प्रवाह क्या कहलाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर बात करें कोई द्रव का प्रवाह हो रहा है, तो इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, वन पर चाहे टू पर चाहे थ्री पर, हर जगह पर द्रव का जो प्रवाह हो रहा है उसका आयतन हमेशा समान रहेगा, मान लो जितना वाटर यहाँ पर है उतना ही वाटर यहाँ पर आएगा तो उसका भी आयतन समान होगा, जितना वाटर यहाँ पर था वो यहाँ पर आएगा तो उसका भी आयतन समान रहेगा, और घनत्व भी क्या रहेगा, समान रहेगा, तो वो आपका फ्लो कैसे कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने इस लेक्चर में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पढ़ा था हमने फ्लूड का फ्लो जो होता है वो किस तरह का होता है, किसी भी द्रव का जो प्रवाह होता है हम इसे पढ़ते हैं हाइड्रोडायनेमिक में, मतलब द्रव की गतिकी में पढ़ते हैं, क्योंकि द्रव गति में, तो इसे हम कहेंगे फ्लो ऑफ फ्लूड को हम पढ़ेंगे किसमें, हाइड्रोडायनेमिक में पढ़ेंगे। तो फ्लूड का जो फ्लो होता है वो किस किस तरह से हो सकता है, उसे हम सबसे पहले हमने डिवाइड करा लाइन्स के आधार पर, मतलब लाइन के फॉर्म में किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फ्लूड के फ्लो को, तो इसे हमने कैटेगरी में डिवाइड करा था चार कैटेगरी में, जिसमें पहला था पाथ लाइन में, पाथ लाइन में क्या
जब द्रव का प्रवाह हो रहा है तो किसी एक पार्टिकल को मार्क कर लो, और मार्क करने पर जो पाथ आपका ट्रेस करे वो आपका क्या हो जाता है, पाथ लाइन हो जाता है। और अगर मान लो हमने क्या करा, किसी भी पार्टिकल को मार्क करने पर उसके द्वारा जो पाथ बना, उस पाथ के किसी भी पॉइंट पर आपको वेग निकालना, तो उस पॉइंट पर आपने क्या करा, स्पर्शी खींच दिया। तो स्पर्शी खींचने पर जो आपका टोटल आपका ग्राफ प्राप्त हुआ, ये लाइन प्राप्त हुई है, ये आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रीम लाइन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें अगला हमारा था स्टिक लाइन या फिलामेंट लाइन। तो इसमें हमने क्या करा था, जब किसी भी पाइप में से द्रव का प्रवाह हो रहा है और प्रवाह होते समय हमने किसी भी पार्टिकल पे क्या करा, कलर डाल दिया, और वो कलर द्वारा उसकी एक पूरी लाइन बन जाएगी, मतलब उसके फ्लो द्वारा एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी, तंतु रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगला था धारा रेखीय नली। धारा रेखीय नली में क्या था, मान लो किसी भी एक पाइप में से या ट्यूब में से द्रव का प्रवाह हो रहा हो और उसके हम अलग अलग पार्टिकल को मार्क कर दें, और मार्क करने पर जो उसके द्वारा लाइन ड्रॉ हो रही हो उन सब लाइन के समूह को हम कहेंगे धारा रेखीय नली कहेंगे। ठीक, ये चार टाइप थे लाइन्स के आधार पर। इसके अलावा हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूड का फ्लो है। फ्लो कौन कौन सा होता है, स्टडी फ्लो होता है। स्टडी फ्लो में क्या होता है, स्टडी फ्लो या अपरिवर्तित प्रवाह, मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, मतलब ऐसा प्रवाह जहां पर, मतलब ऐसा द्रव का फ्लो जिसमें वेग घनत्व और दाब में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो, मतलब परिवर्तन कितना हो, जीरो हो, तो वो आपका परिवर्तन क्या कहलाता है, वो आपका फ्लो कहलाता है अपरिवर्तित प्रवाह या फिर स्टडी फ्लो। और जिसमें परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अनस्टडी फ्लो। ठीक, अगला था हमारा लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, जो हमारा द्रव का प्रवाह होगा वो कैसा होगा, उसकी जो लाइनें होंगी द्रव की प्रवाह की जो लेयर होंगी वो सब क्या होंगी, समांतर होंगी दूसरे के, तो वो क्या कहलाएगा, लेमिनार फ्लो। लेकिन जिसमें जिगजैग मोशन में लेयर होंगी वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। और मान लो प्रवाह हमारा कैसा है, समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और उसमें जो प्रवाह हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि उसमें वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि समान आकार है। और अगर मान लो आपका असमान प्रवाह की बात करें, असमान प्रवाह क्या होता है, पाइप के क्रॉस सेक्शन की हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, वेग हर जगह चेंज होता रहेगा, तो आपका फ्लो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगला हमारा रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, जब द्रव का प्रवाह हो रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर मार्क कर दें, पार्टिकल को देखें हम तो वो रोटेट करते हुए देखें, तो प्रवाह कहलाता है रोटेशनल फ्लो। एयर रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, पार्टिकल आपका मूव नहीं करता, मतलब वो रोटेट नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद लास्ट टाइप था हमारा संपीडक प्रवाह। संपीडक प्रवाह क्यों, ऐसा कोई द्रव जिस पर क्यों ना कुछ दाब लगता है और दाब के कारण उसके घनत्व और आयतन में लगातार परिवर्तन होता रहता है जब वो फ्लो कर रहा है, तो हमारा प्रवाह कहलाता है कंप्रेसिव फ्लो। और होता अगला होता है इनकम्प्रेसिव फ्लो। ये आइडियल कंडीशन है, असल में ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी द्रव का प्रवाह हो रहा हो और उसके आयतन और डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे। ठीक है।